भले ही पूरी दुनिया कोरोना वायरस के डर और खौफ के साए में है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसी वायरस के चलते कुछ ही दिनों के लिए सही अपनी सरकार को गिरने से बचा लिया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा से कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार का शक्ति परीक्षण होना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कोरोना वायरस का हवाला देते हुए विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसके चलते कमलनाथ सरकार को 10 दिन और बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कोरोना से सरकार बचाने के लिए कमलनाथ सरकार के खूब मजे ले रहे हैं। हालांकि कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट न कराने पर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई कल यानी 17 मार्च को होगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें 2 सीट खाली है, और कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब विधानसभा में कुल 206 विधायक रह गए हैं। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा अब 104 का बैठता है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास 99 विधायक हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।